वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है बीए एंटरप्राइजेस। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जो इनिशियल डाटा है कि वो अकाउंटेंट ऑफ बीए एंटरप्राइजेस प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2013 विच शोड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 1050,000 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹650,000। The company sells goods at cost plus markup of 20%। तो किसी जगह पर अगर हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट निकालनी पड़ी और वाइस वर्सा, तो हम कॉस्ट से सेल्स निकाल सकते हैं और सेल्स से कॉस्ट की फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं 20% मार्कअप की बेस पर। फिर बताया हुआ है कि द फॉलोइंग एरर्स एंड ओमिशंस वर फाउंड ऑन अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद हमें आइटम्स दिए हुए हैं जो एरर्स एंड ओमिशंस हैं, और इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। असर्टेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो जर्नल एंट्रीज पास करने की नहीं है, सस्पेंस अकाउंट बनाने की नहीं है। रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि हमने जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको जहन में रखते हुए जस्ट कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा उसको जहन में रखते हुए जस्ट ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट को फोकस करना है। तो इसकी टेक्निक ये होगी कि हम जो चीज़ें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को अफेक्ट करती हैं उनसे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा और उनसे नेट प्रॉफिट भी इफेक्ट होगा, लेकिन वो आइटम्स जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रेजेंट होते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जैसे एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, तो वो सिर्फ नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे, वो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं, और एडिशनली हम अंडरस्टैंडिंग के लिए जर्नल एंट्रीज भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि अगर इनकेस आपको किसी भी आइटम में कन्फ्यूजन हो तो उन जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी आप प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम आंसर जो है वो लिख लेते हैं, और एक जो हमें स्टेटमेंट बनानी है उसके लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स रेफरेंस के अंदर हम क्वेश्चन में जो पॉइंट नंबर है वो लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, और एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हमें जो क्वेश्चन में अनकरेक्टेड प्रॉफिट गिवन है हम उससे शुरू करेंगे, विच इज 1050,000 एंड 650,000 रिस्पेक्टिवली, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। और अब जितने भी एरर्स होंगे उनको हम अकॉर्डिंगली जब करेक्ट करते जाएंगे, उनका इफेक्ट लेते जाएंगे, तो हमारे पास करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। एक हम वर्किंग बना रहे हैं और ये काफ़ी डिटेल्ड वर्किंग है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी वर्किंग बनाएं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम काफ़ी डिटेल में इसको लेकर जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बेसिकली इसमें हम एंट्रीज पास करके एंट्रीज के इंपैक्ट के साथ चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हमारे प्रॉफिट और लॉस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टेप वाइज ऑप्शन देखते हैं, पहले इस वर्किंग में डालेंगे और उसके बाद अपने मेन आंसर में ले जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट, कि आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब नॉट इंक्लूडेड का मतलब है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ओमिशन हुआ है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है प्री सैंपल कॉस्टिंग ₹25,000 वर सेंट टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर। तो क्योंकि हमारी नॉर्मल अजम्पशन ये होती है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, तो उस हिसाब से जो हमारी एंट्री होनी चाहिए हमें ये ओमिशन रिकॉर्ड करना है। तो जब फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं तो आप फ्री सैंपल एक्सपेंस बेसिकली सेलिंग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जो इन्वेंट्री जाती है आपके पास से उसका इफेक्ट परचेजेस में जाता है। तो क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है 25,000 अब इसमें जो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं तो इसका मतलब है सेलिंग एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो सेलिंग एक्सपेंस का इफेक्ट नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लिखे जाते हैं सेलिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस होने की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट है परचेजेस, परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं यानी परचेजेस कम हो रही हैं, तो परचेज का एक्सपेंस जब कम होगा तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि ये रिडक्शन इन परचेज एक्सपेंस है।
और क्योंकि परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखी जाती हैं, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगा। हर वो चीज़ जो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है वो ग्रॉस प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगी और नेट प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगी। तो परचेज एक्सपेंस कम होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये हमारा इम्पैक्ट आ गया कि जी असल में अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो जीरो ही बनता है। तो आप अगर इसको निल भी कर देते तो तब भी ये ठीक हो जाता, लेकिन ये कि हमने प्रॉपर हर स्टेप यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब सेकंड पॉइंट पर जाते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज एंड गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ 2,500 वर यूज फॉर ऑफिस रिपेयर्स। अच्छा, अब ये दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए लिया वो ड्राइंग्स है, और यहां पर हमें गुड्स की कॉस्ट दी हुई है 10,000। तो पहले इस एक ट्रांजेक्शन को अलग ले लेते हैं। तो हमारी एंट्री बेसिकली होगी ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, और कॉस्ट ही दी हुई है तो जो इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्री होती है वो कॉस्ट पर ही होती है। तो ये एडजस्टमेंट है। अब ड्राइंग्स का ताल्लुक नहीं है प्रॉफिट और लॉस से। ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में जाकर लेस होती है, कैपिटल में से प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करती। लेकिन परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं तो परचेज एक्सपेंस कम हो रहा है, इसका इफेक्ट हमें लेना होगा। और परचेज एक्सपेंस कम होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और क्योंकि परचेज कॉस्ट ऑफ सेल्स में होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसके बाद जो इसमें सेकंड है, गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू का मतलब है कि मार्कअप वाली इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हम सेल से कॉस्ट निकाल लेंगे। तो सेल्स वैल्यू है 2,500 जो चीजें ऑफिस रिपेयर के लिए यूज हुई है। तो जब कोई चीज ऑफिस रिपेयर के लिए यूज हुई है तो हमारी एंट्री होगी ऑफिस रिपेयर्स डेबिट, क्योंकि जिस तरह ड्राइंग्स टू परचेज की एंट्री हुई है उसी तरह ऑफिस रिपेयर्स टू परचेज की होगी, या जिस तरह से फ्री सैंपल वाली एंट्री हुई है कि किसी और एक्सपेंस में गुड्स अगर जा रही हो तो परचेजेस को कम कर देते हैं और उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड हम करते हैं एट कॉस्ट। तो ऑफिस रिपेयर्स को 2,500 पे नहीं, 2,500 इनटू 100 बाय 120, क्योंकि 2,500 सेल्स वैल्यू है जो कि 120% को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 120 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी विच इज कॉस्ट, एंड दैट वुड बी 2,083। तो ऑफिस रिपेयर्स डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। अब इसमें जो ऑफिस रिपेयर्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा, तो पहले तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इस एक्सपेंस की वजह से नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो परचेजेस कम हो रही हैं, परचेजेस तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में होती हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेंगी, और परचेजेस कम होने से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। वंस अगेन जो इसका नेट प्रॉफिट पर टोटल इफेक्ट है इस ट्रांजेक्शन का वो जीरो है। थर्ड देखते हैं, अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड एक्सपेंसेस पेबल अमाउंटिंग टू ₹20,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। यानी दो एक्सपेंसेस हैं जो एक्रूड हैं और वो उनका एक्रूवल की एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, तो सिंपली हम इसकी एक्रूवल की एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन इन जैसे कैरिज इन होता है वो डेबिट, और एक्सपेंसेस पेबल या एक्रूड एक्सपेंसेस जो लाइबिलिटी के तौर पर होंगे वो हम क्रेडिट कर देंगे। तो अमाउंट हमें दी हुई हैं 20,000, 10,000, और टोटल पेबल जो बन जाएगा वो होगा 30,000। तो ये हमारी एडजस्टमेंट है। अब सबसे पहले हम सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज होने से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसका ग्रॉस प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सैलरीज एक्सपेंस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर डील कर रहे होते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन ये क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन है कैरिज इन की तरह तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड होता है, तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट पर भी फर्क पड़ेगा और नेट प्रॉफिट पर भी फर्क पड़ेगा। एक्सपेंस की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा।
तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में असल में फोर ट्रांजेक्शन थी जिनको हमने इनकॉर्पोरेट किया। अब सेकंड पे चलते हैं कि ओल्ड फर्नीचर आइटम्स वर सोल्ड फॉर 3,000 एंड एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। जबकि फर्नीचर का आइटम सेल किया तो डिस्पोजल अकाउंटिंग होनी चाहिए। बुक वैल्यू इन आइटम की 2,000 थी, तो 3,000 का अगर हमने सेल किया है आइटम और उसकी बुक वैल्यू 2,000 थी, तो 1,000 का हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि एरर ना हुआ होता तो हमारी एंट्री होती कैश डेबिट 3,000 से, फर्नीचर जो है वो क्रेडिट हो जाता जो उसकी बुक वैल्यू है 2,000 से, और जो डिफरेंस है वो हमारा गेन ऑन डिस्पोजल आ जाता 1,000 से। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई, और इसके बजाय गलती से ये हुआ कि कैश तो सही रिकॉर्ड हुआ लेकिन सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। तो या हम कहते हैं कि ये रिसीवेबल की बेसिस पर है क्योंकि सेल्स डे बुक में है तो क्रेडिट पर होगा, तो रिसीवेबल डेबिट हम कर देते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। अब ये यहाँ पर जब रिकॉर्ड हुआ 3,000 की बेस पे तो रिसीवेबल तो रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम कर ली हमने यहाँ पे। तो अब हमारी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो करेक्टिंग एंट्री हमारी ये होगी कि रिसीवेबल तो डेबिट होना चाहिए था 3,000 का और 3,000 से हो गया, इसको तो ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स हमारी गलत क्रेडिट हुई है, इसको हमें डेबिट करना होगा। फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, तो अब कर देते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल को 1,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ था, तो अब करेक्टिंग एंट्री के तौर पर कर देते हैं। सो हमारी जो एंट्री का इफेक्ट है वो ये बनता है कि हमें सेल्स को रिवर्स करना है, फर्नीचर को रिड्यूस करना है और गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है। अब सेल्स जो है वो डेबिट हो रही है, यानी सेल्स कम हो रही है, तो सेल्स के कम होने से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और सेल्स तो ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में भी शामिल होती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। फर्नीचर का आइटम जो है वो एसेट का आइटम है, इसका प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गेन ऑन डिस्पोजल 1,000 का जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इससे बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो गेन ऑन डिस्पोजल होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट तक की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, तो 1,000 का ये गेन रिकॉर्ड करने से हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सी पर चलते हैं। ₹24,500 वर पेड टू अ क्रेडिटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड डेबिटेड टू परचेज। अब 24,500 हमने पे किए थे, टोटल अमाउंट 25,000 थी, लेकिन उसको हमने डेबिट कहाँ कर दिया, परचेजेज में कर दिया। तो इसकी करेक्ट एंट्री को भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि गलत एंट्री क्या हुई है। तो अगर एरर ना हुआ होता तो हम ट्रेड पेबल रिकॉर्ड करते कि खत्म हो गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई 25,000 की। कैश जो हमें पे करना पड़ा वो 24,500 का पे करना पड़ा, और बाकी जो डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है डिस्काउंट से हमारी परचेजेस की जो कॉस्ट है वो हम रिड्यूस कर देते हैं बाय 500। सो ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एरर में क्या हुआ कि हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया और कैश तो पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड हुआ ही हुआ है, तो जो चीज़ नहीं बताई हुई क्वेश्चन में कि गलत हुई है वो हम एज्यूम करते हैं कि वो ठीक रिकॉर्ड हुई है। सो एंट्री रिकॉर्ड ऐसे होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड परचेजेस के अंदर हो गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। तो देखिए अगर आप नोटिस करें तो कैश तो ठीक रिकॉर्ड हुआ हुआ है, जितने का क्रेडिट होना चाहिए था उतने का ही हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड पेबल जो हैं वो डेबिट होने चाहिए थे 25,000 से लेकिन हमने नहीं किए वे, तो अब कर देते हैं। परचेजेस जो हैं वो क्रेडिट होनी चाहिए थी 500 से, हमने उल्टा डेबिट कर दी 24,500 से,
तो अब हमें परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा पूरे 25,000 से। 500 से ये जो रिकॉर्ड होना चाहिए था क्रेडिट, ये वाला किया है, और 24,500 से जो डेबिट गलती से हो गई थी उसको रिवर्स किया। तो 500 का क्रेडिट जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, और 24,000 का जो गलत डेबिट हो गया था उसका रिवर्सल मिलाकर ये भी 25,000 बनता है। तो ये हमारी एंट्री स्टेब्लिश हो जाती है। अब हमें ट्रेड पेबल, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है, इससे प्रॉफिट और लॉस पे फर्क नहीं पड़ता। परचेजेस क्रेडिट होने से हमारा परचेज एक्सपेंस कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में होती हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट पर भी फर्क पड़ेगा और नेट प्रॉफिट पर भी इंक्रीज आएगा, दोनों में सेम। इसके बाद हम ऑप्शन आइटम डी पर चलते हैं। द सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹30,000। तो सेल्स जो है वो 30,000 से ओवरकास्ट हो गई। सो बेसिकली हमें करेक्शन करने के लिए सेल्स ज़्यादा हो गई है, तो हमें सेल्स को कम करना होगा, और सेल्स को कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट में क्योंकि ओवरकास्टिंग एरर है, एक साइड पर इम्पैक्ट जाता है, तो दूसरा इम्पैक्ट हमें सस्पेंस में लेना होगा। अब सस्पेंस अकाउंट तो प्रॉफिट से रिलेट नहीं करता, सेल्स अकाउंट जो है वो हमें कम हो रही है सेल्स, तो इससे हमारे प्रॉफिट कम होगा और ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा और नेट प्रॉफिट भी कम होगा। नेक्स्ट है, एन अमाउंट ऑफ 67,000 वॉज कैरीड फॉरवर्ड इन द परचेज डे बुक एज 6,700। तो डिफरेंस है 60,300 का, तो हमारी परचेजेस आगे कम कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो हमें परचेजेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री वाइज अगर डिस्कशन करें तो परचेजेस को बढ़ाने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, और क्योंकि कैरी फॉरवर्ड के टाइम पर एरर हुआ है, तो दूसरा तो कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा, तो सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट चला जाएगा। अब वंस अगेन सस्पेंस अकाउंट का तो प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन परचेजेज रिकॉर्ड होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा और नेट प्रॉफिट भी कम होगा। अब हम सारा जो कैलकुलेशन है ग्रॉस प्रॉफिट की भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट के भी सिंपली कैलकुलेटर पे टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि जो करेक्टेड प्रॉफिट है, दैट इज 1008783562700। तो हमारा जो सोल्यूशन था वो तो सिंपली हमें ये फिगर्स प्रेजेंट करनी थी, और लेकिन ये कि हमने ज़्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस किया ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि किस तरीके से हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट लेते हैं। ये चीज़ें जो वर्किंग हमने इतनी डिटेल में की है, ये आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आता है तो उसमें प्रेजेंट करने की ज़रूरत और एंट्रीज बनाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।